ऐसी ही इबादत में से एक इबादत ईद उल अजहा की रात है। इसमें अगर हम दो दो रकात करके नमाज पढ़ें और हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 15-15 मरतबा सूरह अखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी जाए और सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए और 15 मरतबा अस्तग़फार। इसके बाद अगर चाहें तो दुआ कर लें। ये नमाज दो दो रकात करके कितनी मरतबा भी पढ़ी जा सकती है, उसमें कोई कदगन नहीं, कोई इस पर हद मुकर्रर नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकते। अगर चाहें तो पूरी रात इसको पढ़ा जा सकता है। इसकी फजीलत में उस अंदाज में तो शायद न बता पाऊं कि क्योंकि कभी ये सोचा ही नहीं कि किसी इबादत के करने से सवाब कितना मिलेगा या इसका अजर क्या मिलेगा। इस इबादत का तो मतलब ये है कि अल्लाह किसी तरह मुझे अपने करीब कर ले, और जब अल्लाह किसी को अपने करीब कर ले तो उसे अपनी दोस्ती अता फरमा देता है। और अल्लाह की दोस्ती का मायार बहुत बुलंद बाला है। रब की दोस्ती उसी तरह अजीम है जिस तरह उसी निस्बत से अजीम है जिस तरह से रब की जात अजीम तरीन है। तो वो अपने दोस्त को लुक आफ्टर करता है हर अंदाज में, और उसकी रहमत का सबसे बड़ा अंदाज ये है कि अपने दोस्त को वो इल्म से नवाज देता है, और जिसको वो इल्म से नवाजता है उसे साहिब फहम व फरासत कर देता है, उस पर बहुत सी चीजें आया हो जाती, और यूं वो कारखाने कुदरत में होने वाली चीजों को वहां मौजूद चीजों को देखने लगता है, जो बताते खुद बहुत बड़ा मुशाहिदा है, उसका अपने एक मजा है। उससे जो हैरत होती है उस हैरत का अपना एक लुत्फ है जिसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है।